इनफ जानवी, बहुत हो गया। मैं तुम्हें एक मिनट और बर्दाश्त नहीं करूंगी। अब तुम्हें इस घर से बाहर निकालने में बाबा साहब मेरी हेल्प करेंगे। बाबा साहब उठिए, आपकी दवाई का टाइम हो गया। तुम क्यों आई? घर वाले कहाँ हैं? वो सब मंदिर गए, कल गए थे लेकिन मंदिर में रेनोवेशन चल रही थी इसलिए आज फिर से गए। चलिए, आपकी दवाई का टाइम हो गया, खा लीजिए। नहीं, मैं नहीं लूंगा, मैं जानवी के हाथ से लूंगा, मैं नहीं खाऊंगा। क्यों बाबा साहब, क्यों आप जानवी से लेंगे दवाई? वो एक बाहर की लड़की है, मैं आपकी बहू हूँ, आप मेरे हाथ से लेंगे दवाई, ये लीजिए। नहीं खाऊंगा मैं, मुझे नहीं खाना। अरे खानी पड़ेगी आपको, आपका दवाई का टाइम हो गया है, लीजिए दवाई। नहीं खाऊंगा मैं, जानवी के हाथ से खाऊंगा, तुम्हारे हाथ से ना खाऊंगा, ना दवाई लूंगा, ना कुछ। हटाओ इसे। क्यों सिर्फ जानवी के हाथों से खाना है आपको? ऐसा क्या है उसमें? इंसान, उसमें इंसानियत है जो तुम में नहीं है। तुम अच्छी नहीं हो, वो बहुत अच्छी है, वो मेरा बहुत ध्यान रखती है। ख्याल रखती है आपका? कैसे ख्याल रखती है बाबा साहब? आपकी सारी जरूरतों का ख्याल रखती है? Tell me something, आपने छुआ है उसे? छुआ ही होगा किसी ना किसी बहाने। मुझे लगता है रोज ही छूते होंगे, इसीलिए तो आपको दवाई खाने के लिए, खाना खाने के लिए, घूमने फिरने के लिए सिर्फ जानवी चाहिए। बाबा साहब बात बताइए, हाथ पाथ तो पहले पकड़ते होंगे, अब तो वेस्ट शोल्डर कमर पकड़ लेते होंगे ना? मिस्टर जिंदाल, देखिए हमें इस लोकेशन से कॉल आया है, कंप्लेंट हुई है कि किसी लेडी के साथ यहाँ पर फिजिकल असॉल्ट हुआ है। हमें इन्वेस्टिगेशन करनी होगी। इंस्पेक्टर, यहाँ से किसी ने फोन नहीं किया? यहाँ ऐसा कुछ हुआ ही नहीं तो आपको कॉल क्यों करेगा कोई? सब मुझे लगता है आपको जरूर कुछ गलतफहमी हुई है, यहाँ ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। देखिए सर, कॉल तो हमें आया है और वो भी मिस्टर चंदेश जिंदल के खिलाफ। कि उन्होंने अपनी बहू मिसेज निशा जिंदल पर हाथ उठाया है, बुलाइए उन्हें प्लीज। तुमने फोन कर दिया? आदि प्लीज, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया।
ये हमारा प्राइवेट मैटर है, मैं क्यों पुलिस को कॉल करूंगी? बाबा आदि क्या हुआ बेटा? सर आप नीचे चलेंगे मेरे साथ? क्यों बेटा? बाबा पुलिस आई है। पुलिस आई है? पुलिस क्यों आई हमारे घर? क्या हुआ? बाबा आपने निशा पे हाथ उठाया था ना, आपसे बात करना चाहते हैं। निशा पर मैं क्यों हाथ उठाऊंगा? बेटा मुझे कुछ याद नहीं। देखिए इंस्पेक्टर साहब, समझने की कोशिश कीजिए। उन्हें अल्जाइमर्स, उनकी दिमागी हालत बहुत नाजुक है। ऐसे में उन्हें और सदमा पहुंचाएंगे तो उनके लिए अच्छा नहीं होगा। मुझे थप्पड़ मारा था ना बाबा साहब? सर मैं भी इनके साथ चलूंगा। आई एम सॉरी, आप लोग पुलिस स्टेशन तो आ सकते हैं लेकिन अभी इन्हें अकेले चलना होगा। देखिए सर इनकी तबीयत ठीक नहीं है, मैं इनके साथ चलूंगा। इनके साथ जाना किसी को जरूरी है। देखिए हम मेडिकल इनका ख्याल रखेंगे, आप टेंशन मत लीजिए, इन्हें अकेले चलना होगा। आप समझ क्यों नहीं रहे? इनकी तबीयत ठीक नहीं है, ये अकेले नहीं जाएंगे, मैं साथ जाऊंगा इनके। देखिए आप लोग हमारे साथ कोऑपरेट कीजिए, ऐसा करके आप इनकी मुसीबतें बढ़ा देंगे। प्लीज चलिए। इंस्पेक्टर साहब ये सही कह रहे हैं, इनकी हालत ठीक नहीं है। मुझे लगता है कि ऐसे में अगर इनके साथ कोई चलेगा तो अच्छा रहेगा। सर हम ऐसा नहीं कर सकते सर, प्लीज। मिस्टर शर्मा को फोन करना, आदि और भाईसा की बेल करवानी है फौरन। जी क्या बदतमीजी है सर? प्लीज आज मैं चुप नहीं रह सकती। तुम अपना ड्रामा बंद करोगी? मैं बहुत अच्छे से जानती कि तुमने मेरे फोन से पुलिस को कॉल करके बुलाया और इल्जाम मुझ पर लगा रही हो। मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है, इसका मतलब ये नहीं तुम बाबा साहब के साथ कुछ भी करती रहोगी। अरे एटलीस्ट एक बार उनकी तबीयत, उनकी हालत के बारे में तो सोचो। और क्या किया तुमने ऐसा उनके साथ? क्या किया जो वो इतना घबरा गए? रेली मुझे अक्यूज करना बंद करो जानवी। बाबा साहब डरे हुए हैं, सहमे हुए थे तुम्हारी वजह से, याद नहीं तुम्हें? तुम्हें वो कह रहे थे उनके सामने से दूर जाने के लिए। मुझे तुमसे पूछना चाहिए कि गॉड नोस तुम ऐसा क्या कर रही हो कि उनकी हालत बिगड़ती जा रही है, पर ये सब करके तुम क्या हासिल करना चाहती हो जानवी? तुम्हारी हिम्मत कैसे होगी वापस इस घर में आने की? जिन कदमों से आई हो ना उन्हीं कदमों से लौट जाओ। तुम्हारे एक फोन कॉल की वजह से हमारे परिवार की मान सम्मान की धज्जियां उड़ गई हैं। मैं यहाँ ये प्रूफ करने आई हूँ कि पुलिस को कॉल मैंने नहीं किया था बल्कि किसी और ने किया था। हाँ जानती हूँ कि मेरे फोन से कॉल हुआ था लेकिन वो मैंने नहीं, निशा ने किया था। सर 100 नंबर एक इमरजेंसी नंबर है, हम उस पर कॉल करते हैं तो हमारी सारी बातें रिकॉर्ड हो जाती है।